This is your music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. Talk 105. This is Hot FM Network. Hot FM Network. खौदन आजाद अस्सलाम वालेकुम। आप बखूबी जानते हैं यह है हॉट 105 कराची स्टूडियोज में मैं होता हूं आपके साथ हर जुमेरात की शब 10 बजे से 12 बजे तक और हम आपको ले जाते हैं उस महफिल में जहाँ पे हम गाने जाने अनजाने याद करते हैं भूले बिसरे गीत और वो भी सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तानी गाने पाकिस्तानी गुलूकार और आप बहुत पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हॉट 105 की मैनेजमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से जो बहुत दिलचस्पी से इस प्रोग्राम में टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजते हैं और कॉल्स भी करते हैं और 105 के फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ होते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया और आप सबको जहाँ जहाँ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं हॉट 105 की आवाज़ सुन रहे हैं कराची में या कराची से बाहर सिंध में किसी भी कस्बे किसी भी गाँव में किसी भी गोठ में और पंजाब में नॉर्दर्न एरियाज़ में कश्मीर में इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया से बाहर बांग्लादेश में मलाइशिया में तुर्की में और अमेरिका में यूरोप के किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में तो हम आपको वेलकम कहते हैं। सब आज हम कुछ मिले जुले गीत आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो आप पहले भी सुन चुके हैं हमारे ही प्रोग्राम में लेकिन बहुत सारे दोस्तों की फरमाइशें थीं और वो भी हम कोशिश करते हैं कि पूरी कर दी जाए। अगर चीज़ रिक्वेस्ट शो नहीं होता है लेकिन आपकी पसंद नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हसब मामूल आवाज़ पहली भी होगी और आज एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी होगा उसके लिए आपको मेरे साथ प्रोग्राम के आखिर तक रहना होगा और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहते हैं। सब आज का जो पहला गाना है वो सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि आप सुन रहे हैं 105 यू आर लिसनिंग टू हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क दैट्स राइट आप सुन रहे हैं हॉट 105 पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और सुबह भी दोपहर भी शाम भी रात भी आप सुना करते हैं अपने अपने पसंदीदा चीज़ के साथ। सब इस वक्त 10 बजकर तकरीबन 9 मिनट हुआ चाहते हैं और आज की शाम आपके नाम एक दफा फिर आपकी खिदमत में कहूंगा अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो
मैं गानों की आपको डिटेल भी बताया करता हूँ, इसका सारा डेटा आप तक पहुँचाता हूँ। क्या आप चाहते हैं इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहे या सिर्फ गानों से दिलचस्पी है आपको? जो कंट्रीब्यूटर थे इन गानों के प्रोड्यूसर्स और मौसीकार और गुलकार, उनका तذکرہ ना किया जाए। सब 1975 की फिल्म है नेक परवीन, ए हमीद की धुन है जी, निशो मोहम्मद अली संगीता और रहमान। आज की प्लेलिस्ट में 70s की दहाई के गाने हमने ज़्यादातर शामिल किए हैं, लेकिन कुछ गाने आपको 60 की दहाई के भी मिलेंगे, सो कबूल फरमाइए, सुनिए और सर धुनिए। सब आपकी ज़िंदगी में भी और हमारी ज़िंदगी में भी यकीनन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके नाम हम अपनी सुबह अपनी शाम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम भी हम याद रखते हैं, कभी भूल नहीं पाते हैं। तकरीबन 50 बरस पहले के गाने हैं। तेरा नाम बिना तेरा नाम, ए नय्यर की आवाज, नाहिद अख्तर की आवाज के बाद 79 की फिल्म है नक्शे कदम, अमजद बॉबी की धुन है, मसरूर अनवर के बोल। रानी मोहम्मद अली और गुलाम महीउद्दीन, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर,
जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबी। तेरी नजर ने मुझको दिया है जीने का पैगाम, मिटना सकेगा मेरे दिल। 10:15 PM. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. मुझे समझ में नहीं आता कि लोग खाली चाय कैसे पी लेते हैं, क्योंकि हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना। हर चाय का प्लस जीरा प्लस। आवाज़ पहले भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और गौर से सुन के आपने इसका जवाब हमें देना है 888-1 पर। Walk along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती। और जनाब करना आपको ये है कि ये बताना है हमें कि ये किन दो फनकारों की आवाजें हैं। अपने सेलफोन के मैसेज ऑप्शन पे जाना है और HOT लिखना है, एक स्पेस देने के बाद हमारे सवाल का, हमारी आवाज़ पहली का जवाब देना है और भेजना है 888-1 पर। हम जी आपको सुनाते रहेंगे आवाज़ पहली, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी सुनाते रहेंगे। यादगार मकबूल आम गीत आपके लिए लाता है हॉट 105 हर जुमेरात की शब मुजफ्फर अहमद के साथ। सुनिए और सर धड़िए। सब इस फिल्म का नाम है इश्क दीवाना। 71 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। जी चिश्ती की धुन है, ख्वाजा परवेज के ये बोल हैं,
गजालब और कैफी पर यह गाना पिक्चराइज हुआ है। माला बेगम की आवाज। अब ये आवाज जो आपकी जारी पहचानी है, चल मेरे हमराही यूं ना ठुमक ठुमक धर पाओ, अरे ले चल रे छायल वासा जनिया के गाँव, अरे ले चल रे छायल वासा जनिया के गाँव। खुदा इन सब फनकारों को गुलकारों को गरीक रहमत करे, लेकिन कितना अच्छा काम छोड़ गए हैं आप कभी ना भूल पाएंगे। पल हमने बरसों जिसकी खातिर सौ दुख झेले, पल पल हमने बरसों जिसकी खातिर सौ दुख झेले, आज करेंगे दर्शन उसके, आज करेंगे दर्शन उसके दो नैनाल बेले, चमका सूरज फिर खुशियों का हो, चमका सूरज खुशियों का फिर ढली दुखों की छाओ, अरे ले चल रे छायल वासा जनिया के गाँव, अरे ले चल रे। सब आप जानते हैं कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, जी हाँ, दिल और दुनिया 1971 की फिल्म है। इसी फिल्म का एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मकबूल गाना, चंपा और चमेली ये कलियां नई नवेली, ओ चंपा। हे तो आफ्टर हिट सुनते रहिए आप और सर भी सुनते रहिए। दिस इज हॉट 105, मैं हूँ मुजफ्फर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी में हैं, सफ़र की हालत में है, हम आपके लिए दुआगो हैं, खैर वफियत से अपनी मंजिल पे पहुंचिए, गाने सुनते हुए, लहराते हुए, बल खाते हुए। अगर मोटरसाइकिल पर हैं तो बल मत खाइएगा। आप अपने घर जा रहे हैं तो चंपा और बेले के फूल भी ले जाइए, गुलाब के फूल भी ले जाइए। फरवरी का महीना तो गुलाब के फूल का महीना होता है, उस जात के लिए, उस मोहब्बत वाली श्री के हजात के लिए जो घर में बैठी आपका इंतजार करती है। गीत दोस्तों आसिया बेगम पर पिक्चराइज हुआ, कमाल अहमद की धुन है और सईद गिलानी ने इसके बोल लिखे।
सब एक मरतबा फिर You are listening to Hot FM 105 Radio Network. और रेडियो जनाब आपने जवाब देना है आवाज़ पहली का 8881 पे और कुछ दोस्त हमारे साथ हैं हम देखते हैं कौन हमारे साथ है और क्या कह रहा है ओके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं मैं शामिल करता हूं जी और हमारे साथ हैं बरकत अली साहब और वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जी आपका शुक्रिया आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह इकबाल साहब हमें सुन रहे हैं तार के रोड पर बहुत शुक्रिया आपका भी और बल्दिया टाउन में हमें सुन रहे हैं साहब अकबर साहब उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और खुश रहो मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ है जी ये बता रहे हैं हमें एम असलम साहब जलेबी चौक वाले हम आपके लिए दुआ गो हैं जी अल्लाह ताला आपका जो ऑपरेशन कामयाब करे और इसी तरह से आप हमारे साथ रहें सुनते रहें हॉट 105 और सब बरकत अली का एक और मैसेज है कहते हैं कि खुश रहें भाई गानों की डिटेल है तो प्रोग्राम का हुसन है जनाब इसको जारी रखें ओके जी हम जारी रखे हुए हैं और यही असल में बात है इस पे ही आपको पता चलता है कि कितनी मेहनत की जाती है प्लेलिस्ट पर और अख्तर ताहिर साहब मोहम्मद अख्तर ताहिर साहब हैदराबाद में सुनते हैं कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है फैमिली के साथ सुन रहा हूँ मेरे भी हाज़िरी लगा लीजिए खुश रहें बहुत शुक्रिया जी आपका आपकी हाज़िरी लग रही है आप हमें सुन रहे हैं एक और मैसेज है वेलकम आपकी आवाज़ पहली का जवाब है नहीं फिल्म का नाम आपने सही नहीं लिखा है असलम साहब लेकिन फनकारों के नाम आपने सही लिखे हैं आज़म साहब हैं कहते हैं लाइक योर प्रोग्राम मे अल्लाह ब्लेस यू एंड एंटर योर सोल इन हिज पैराडाइज बहुत शुक्रिया जी आमीन बहुत शुक्रिया आपका खादिन उजैद आपने भी सुना है ये आवाज़ पहली और आप भी इसका जवाब अगर देना चाहें तो हमें ज़रूर दीजिए और अभी हम आपको एक मरतबा फिर सुना देते हैं आवाज पहली FM Radio Network Hot 105 ओके जनाब ये आवाज़ें आपने सुनी हैं और आपने बताना है इसका जवाब 8881 पे कहीं और नहीं बताना है आपने ना ही फेसबुक पे आपने बताना है हमें फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है और वहाँ जाके आप अपनी पसंदीदगी का इजहार भी कर सकते हैं अपनी बात भी हमसे जो कहना चाहें कह सकते हैं लेकिन जवाब इसका देना है आपने 8881 पे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं 10:30 PM This time check is brought to you by रास्त इतना बासहूलत कि क्या याद करोगे मुझे समझ में नहीं आता कि लोग खाली चाय कैसे पी लेते हैं क्योंकि हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना हर चाय का प्लस जीरा प्लस और जनाब बरकत अली साहब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है फिल्म का नाम तो आपने नहीं बताया लेकिन हमने पूछा भी नहीं है लेकिन अगर आपको जानते हैं आप जानते हैं उस फिल्म में
इन फनकारों का काम तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। लेकिन अभी किसी दोस्त ने हमें लास्ट थर्सडे को ये कहा था कि शादी ब्याह के गीत भी चलाया करें, सो हमने एक बहुत ही यादगार गीत आपके लिए तलाश किया है। सब हर घर में एक बेटी होती है, बहुत अच्छी एक बहन होती है, उसे रुखसत करना होता है। एक तरफ दिल खुश हो रहा होता है कि फराइज की अदायगी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ दिल दुखी भी होता है। लेकिन इस दिन को जब रुखसती हो रही होती है या होने वाली होती है, तो सखी और सखियां और सहेलियां मिलके खुशी भी मनाती हैं, लेकिन उदास भी होती हैं। माला बेगम नाहिद नियाज़ी, नजमा नियाज़ी, आयरन परवीन, फिल्म का नाम है लाइलक। इसकी धुन बनाई थी मास्टर इनायत हुसैन ने, और अब ये खूबसूरत गीत। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर, आपका मैसेज मिल गया, बहुत शुक्रिया। शबाना अंजुम हमें लाहौर कैंट पे सुना करती हैं और वेलकम कहती हैं, बल्कि हम उनको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद हनीफ लखदा साहब, आपका शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको भी और खातून लखदा को भी। दिल लेकर मैं तो आया था जापान, हुस्न का जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान। जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान, परदेसी का दिल ना तोड़ो ये है बड़ी नादानी। हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जा पानी। सब ये फिल्म भी है 1971 की, खामोश निगाहें। ये गीत मुनव्वर ज़रीफ़ पर पिक्चराइज किया गया और इसमें रोजीना और वहीद मुराद मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। वो महबूब मिला है जो ना समझे मेरी ज़बान, मैं उर्दू में प्यार जताऊं हो जाए हैरान। मैं इससे जापानी सीखूं ये है मेरी उस्तानी। हो गुड़िया जा पा। और सब उधर से जवाब ये आया जापानी गुड़िया की तरफ से। खिलती कली को देख कर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कली बोली जा जा
105. Don't be silly, don't be silly, don't be silly. एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, दिल भी तेरा जान भी तेरी सुन ले प्यार का अफसाना। सब फिल्म का नाम है सबक, 71 की फिल्म है। मुझसे कहा मेरी जान, हुस्ना बेगम पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है। मरकजी किरदार थे ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली का। निसार बज़्मी की धुन, कलीम उस्मानी के बोल। सुलेमान बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया, आपकी फरमाइश भी मैंने नोट कर ली है, बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए और सर धुनते रहिए। दिस इज हॉट 105, सुन रहे हैं आप गाने जाने जाने, और मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ 12 बजे तक। एक दिन उसने मुझसे कहा तू रहती है इन आँखों में, खुशबू तेरी आग लगाए रखती है इन सांसों में। मैं सुनती रही, लेकिन जब उसने ये मुझसे कहा ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने Don't be silly. और सब जब कोई इंतजार करने का कह जाए और आए ना तो बेकरारी तो होती है। बेकरार तमन्ना जरा ठहर जा, मुझी वालम की आवाज। नजर में भर लूं ये जलवा जरा ठहर जाओ। मेरे हम सफर फिल्म का नाम है और ये धुन बता रही है कि ये सुहेल राणा के अलावा और किसी की नहीं है। मसरूर अनवर ने बोल लिखे, मोहम्मद अली और शबनम इसके मरकजी किरदार थे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी तो देखा नहीं मैंने तुमको जी भर के, अभी तो शिकवा जरा ठहर जाओ। Hot 105। करार तमन्ना जरा ठहर जाओ, है बेकरार तमन्ना।
ठहर जाओ। कभी दिल चाहता है कि कभी कहीं दूर न जाओ, हमारे पास रहो। नजर में भर सब आवाज पहली along the memory lane, क्योंकि यादें कभी मध्यम नहीं पड़ती हैं। और दोस्तों मैसेजेस हैं जमाल शेदाई उर्फ जमाल भाई, मैं गुजारिश आपसे करूंगा आप सब लोग जब टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो जरा मुख्तसर मैसेज किया करें, तवील तवील मैसेजेस जो होते हैं जरा पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। और असल काम यह है हम आपको गाने सुनाते रहें और आप लहराते रहें, गुनगुनाते रहें, आपको अच्छा लगे, ये वक्त आपको एंटरटेन करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन लंबे लंबे मैसेज पढ़ के फिर थोड़ी सी एनीवे, बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया जी। हैदराबाद में सुनते हैं जी हमारे ये जमाल शेदाई उर्फ जमाल भाई और जाफर भाई हैदराबाद में सुनते हैं, कहते हैं एफएम की पूरी टीम को सलाम और अकीदत, सलाम या अकीदत, शो नाइस है, वेरी नाइस है, वेरी गुड है, आवाज़ें हैं, नहीं आपका आधा जवाब दुरुस्त है। और साईं बख्श खोसा कुनरी उमरकोट में सुनते हैं सिंध में और इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद है और पुरखलूस सलाम देते हैं और कहते हैं कि आपको हमने मुजफ्फर भाई आपके प्रोग्राम में एक गाने की फरमाइश किया, अरे भाई पूरा आपका प्रोग्राम ही हमारी फरमाइश है। ओके चलिए, यानी गाने जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये वाकई फरमाइशें ही हैं क्योंकि मुद्दतों से आपने ये गाने सुने नहीं हैं जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। राव जुल्फकार अली नाजमाबाद नंबर 4 में कहते हैं आवाज़ है जी आपकी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और दोस्त हैं जी कहते हैं आज का प्रोग्राम सुपर हिट है, मोहम्मद हुसैन कुरंगी में हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अभी हम कुछ और मैसेजेस भी शामिल करेंगे लेकिन अगले गाने की तरफ चलते हैं। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपता है, जब मोहब्बत किसी से होती है, जब हम किसी को अपने दिल में बसाते हैं तो आपकी आंखें ही बता देती हैं, आपके होंठ मुस्कुराते हैं, आपकी मुस्कान बता देती है। दुआ है कि आपकी ये मुस्कान किसी की मोहब्बत में इसी तरह से बरकरार रहे। दोस्तों आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने हॉट 105 कराची स्टूडियो से मुजफ्फर अहमद के साथ, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, सुनिए और सरधुनिए मसूद रना और माला बेगम की आवाज। PM. This time check is brought to you by AGS maintenance free battery. क्योंकि बात है क्वालिटी की। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग खाली चाय कैसे पी लेते हैं। क्योंकि हर चाय अधूरी है जीरा प्लस के बिना। हर चाय का प्लस जीरा प्लस।
साहब वो चाय भी हो खाली ना हो, साथ गाने भी हो और साथ हो हॉट 105। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, यह है फिल्म का नाम, 71 की रिलीज है, अशरफ की धुन, दीबा वहीद मुराद इस फिल्म के मरकजी किरदार थी। सब ये अहद व पैमान भी जारी रहने चाहिए, इन पर पूरा उतरना चाहिए। ये फरमाया है नूरे जहां ने, हमेशा के लिए 1971 की एक और फिल्म पराई आग, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुन है, तनवीर नकवी के बोल हैं, शमी मरा इस फिल्म की अहम किरदार थी। पिंजरे से रिहा करना, कतर दाओ बालों पर इसके, क्या शायरी है। खवातीन व जायद आवाज़ पहले एक मरतबा फिर सुन लेते हैं और हम वेलकम कहते हैं जी जमाल शेख साहब को, जमाल अहमद साहब को, वो भी हमें सुन रहे हैं। और ये थी आवाज़ पहली। Radio Network Hot 105। रहे सब अदनान साहब हमें सुन रहे हैं, SSG आपकी, अच्छा SSG से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपके गानों की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत शुक्रिया जी। और एक और दोस्त ने, अहमद हैं कराची में, हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि नहीं आपका आधा जवाब दुरुस्त है। हैदराबाद में सुनते हैं हशमत अली साहब, मुजफ्फर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आवाज़ें हैं, हाँ आपका जवाब 100% दुरुस्त है मेरे दोस्त, क्या बात है, आपकी मालूमात बड़ी अच्छी हैं। खलीक नूर साहब बल्दिया टाउन में सुन रहे हैं, कहते हैं कि सदा सलामत रहिए, फिल्म का नाम है
दिल और दुनिया, वो तो मैं दिल और दुनिया के मैंने दो गाने आपको सुनाए हैं, लेकिन हमने ये जो आवाज़ पहली आपको सुनाई है, इसका जवाब हम चाहते हैं कि हमें 8881 पे आप हमें दीजिए। और अकबर बल्दिया टाउन में कहते हैं नहीं भाई, अभी भी आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर तौहीद उमर फारूकी साहब कहते हैं आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कहते हैं एक और दोस्त, ये डोंट बी सिली गाना जो है, कहते हैं सबक मेरी सिनेमा पर दूसरी फिल्म थी, आपने मेरी आंख के लिए दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हैं जनाब जलेबी चौक वाले हैं मसलम साहब। और दोस्तों आपने भी अगर आवाज़ समझ ली है, जान ली है, तो आप हमें जवाब दे सकते हैं। कुछ ही देर में खबरों का वक्त हो जाएगा और मैं आपको ये गाना सुनाना चाहता हूँ। इस दुनिया से क्या हासिल, सब करीब दूर जहाँ जहाँ तक आप हमें सुन रहे हैं, खामोशी से मुस्कुराते हुए, लहराते हुए, गुनगुनाते हुए हमें मैसेज नहीं कर सकते आप, 8881 पे मैसेज कीजिए, हमें बताइए प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, मुख्तसर इख्तसार के साथ। और खातिर जमा रखिए मेरे दोस्तों, हम कॉल्स नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आपका नाम, आपकी बातें हम शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। अपने दिल का दर्द छुपा हंस कर ये दौलत और दुनिया 71 की फिल्म, कमाल अहमद की धुन, वहीद मुराद और रुजीना। गीत खुशी के गाए जा, झूम उठे सारी महफिल, जा मेरे दीवाने दिल, हमसे कोई। डॉक्टर तौहीद उमर फारूकी साहब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस काबिल का मेरे दीवाने दिल, खालिक नूर साहब आपका जवाब आप दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया। जीना क्या जीना है, जख्मी जख्मी सीना है, जहर गम का पीना है, जहर गम का पीना है, जिंदा रहना है मुश्किल, गा मेरे दीवाने दिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल, गा मेरे दीवाने दिल। और सब राजा सुल्कर्नैन के यानी भी हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शबाना जी आपका जवाब तो दुरुस्त ही है, लेकिन हमने आपने हमारी पहेली का जवाब नहीं दिया है। गरीब का दिल ही क्या, जैसे एक खिलौना था, जब चाहे तब तोड़ दिया, जब चाहे तब तोड़ दिया, दुनिया है खुशियों की कातिल, गा मेरे। And now listen to this फड़कती हुई आवाज और लचकता हुआ गाना। आप आज सुन रहे हैं मिले जुले गाने 70s की दहाई के, ज्यादातर 70s के हैं। हमने एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना है, आपने मेरे साथ रहना है प्रोग्राम के आखिर तक। तेरा ही ख्याल रहे वे, बल्कि कसम खुदा दी रवे तेरा ही ख्याल वे, ऐसा ही होता है, कोई और ख्याल नहीं आने पाता है। नूर जहां की आवाज़, फिल्म का नाम है सजावल, 71 की फिल्म है, ताफू की धुन है, नगमा पर जी गाना पिक्चराइज हुआ। Thank you.
Now listen to this one. सुनिए तसव्वुर बेगम की आवाज़, तसव्वुर खानम की आवाज़ और गुनगुनाइए। सुन रहे हैं आप गाने जाने अनजाने, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद आपके साथ। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए 881 पे। गानों के बारे में, फिल्मों के बारे में कोई मालूम बात है, इख्तसार के साथ आप शेयर कीजिए हमारे साथ। सेवेंटी वन की फिल्म है यार बादशाह। सब हमें सुन रहे हैं उमर साहब कुरंगी में। प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आपका जवाब दुरुस्त नहीं है मेरे दोस्त। सुमना में एक पंजाबी फिल्मों में अदाकारा मुतारफ हुई थी, उनका नाम था मापारा। ये गाना उन्हीं पर पिक्चराइज हुआ। और रहीम खान हमें सुन रहे हैं लियाकताबाद में। आपका आधा जवाब दुरुस्त है मेरे दोस्त, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। लाजवाब प्रोग्राम करते हैं मुज़फ़्फ़र साहब, आपके आपने कमाल कर दिया है। यह साहब मोहम्मद हुसैन और खालिदा बेगम कुरंगी में। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. सब खबरों का वक्त हुआ है और हम आपको खबरों की तरफ ले जाते हैं। हॉट 105 से आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने और चनेसर गोठ में हमें सुन रहे हैं सब अली शेर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम न्यूज़ स्टूडियो, आप खबरें सुनिए और उसके बाद हम लौटेंगे। तो बहुत सारी बातें और स्पेशल ट्रिब्यूट भी आप सुनिएगा और आवाज़ पे हिली भी। It's 11 p.m. This time check is brought to you by free 4G internet. You for गाने वालों को सजा याफ्ता होने का बोझ उठाना पड़ रहा है। You were listening to Hum News on Hot FM 105 Radio Network. Oh, 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 oh
music. Your station. I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. It's all about you. Unbind your soul with Heart 105. राइट साहब, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं। 12 बजे तक आपके साथ रहना है। आपको सुनाने हैं बहुत ही मधुर और सुरीले गीत। मधुर और सुरीले गीत, शहद जैसी मीठी आवाज़ें जो आपको सुनने को कम कम मिलती हैं। पता नहीं आजकल कैसे लूले लंगड़े गाने आप सुनते हैं, ना सुना करें वो गाने। खैर, उनकी अपनी अंदाज़ है साहब, उनको भी पसंद करने वाले बहुत हैं। लेकिन असल म्यूज़िक यही है जो हम आपको सुना रहे हैं। सो आप सुनते हैं शौक़ से, ज़ौक से, तो इसीलिए हम आपके लिए ये गाने लेके आते हैं अपनी पिटारी में, अपनी लाइब्रेरी से। ख़ास तौर पे आपके लिए गाने लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर आवाज़ पहली सुना देता हूँ, जिसका जवाब आपने देना है 888-01 पर। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ना जाने रोज़ाना कितने लोगों को कितने लोगों से प्यार होता है, लेकिन प्यार करना बहुत आसान है, प्यार निभाना बहुत मुश्किल है। हैदराबाद में हशमत अली साहब हमारे साथ हैं। कहते हैं, मुजफ्फर भाई जान, मेरी बेगम भी मेरे साथ प्रोग्राम सुन रही हैं। उनकी फरमाइश है कि फिल्म आंसू का दो गाना है, वो सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा जी आपके लिए पेश करूँ। आपका भी और आपकी बेगम साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। मनवर ज़रीफ निगार कुरैशी। नहीं निगार साहिबा जी, जवाब आपका आधा दुरुस्त है। डॉक्टर तौहीद उमर, माई हस्बैंड इज़ बिग फैन ऑफ योर शो एंड नाउ आई एम टू। हम आपको वेलकम कहते हैं जी, मिसेस तौहीद, डॉक्टर तौहीद साहिबा, हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का। हम बहुत सादा से इंसान हैं, सादा सा प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया पसंदीदी के लिए। जमाल भाई हैदराबाद, सलाम भाईजान, शो बहुत अच्छा हो रहा है, आवाज़ें हैं। नहीं, आपने तो बिल्कुल ही जवाब गलत दे दिया। ऐसा नहीं है जैसा आप समझे, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको रीकैप देते हैं, और जो लोग हमारे साथ नहीं थे पिछले घंटे में, उनको पता चल जाए कि पिछले घंटे में कौन से गाने हमने सुनाए हैं। गाना नंबर एक, सब जी था पहला गाना, और दूसरा गाना था करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह। सब गाना नंबर तीन, नंबर चार, चल मेरे हमराहियों ना ठुमक ठुमक धर पाओ, अरे ले चल रे। और नंबर पांच पे इसी फिल्म का, चंबा और चमेली ये कलियां नई नवेली, ओ चंबा और चमेली ये कलियां नई। नंबर छह पर हमने आपको ये गीत सुनाया, ये तेरी
और साहब नंबर सात पे अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। और नंबर आठ पर ये था खेलती कली को देख कर चुपके से भंवरे ने कहा, खेलती कली को देख कर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान Don't be silly. नवे नंबर पर गाना है बेकरार तमन्ना, जरा ठहर जाओ नजर में भर लो। और सब दसवां नंबर ग्यारहवें नंबर पर आपने ये सुना मोहब्बत की कसम तुमको किए वादे वफा करना। और बारहवां गीत मेरे दीवाने दिल इस दुनिया से। तेरहवां नंबर इस गाने को मिला खुदा दीर में। और चौदहवां गीत था You are listening to Hot FM 105 Radio Network. और आपने बिल्कुल सही सुना है, यह है Hot 105, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और आप सुना करते हैं सुबह शाम हफ्ते के सातों दिन और साल के बारह महीने। आप सुनते हैं खबरें, आप सुनते हैं गाने, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम मुख्तलिफ आरजीज के साथ, मुख्तलिफ जुबानों के प्रोग्राम आप सुनते हैं हॉट 105 से आपका चहेता रेडियो स्टेशन। और खवातीन ज़ैद आपके मैसेजेस लेने से पहले हम आपको पहला गाना सुना दें, लेकिन इससे पहले इस सावर में सबसे पहले हम आपको क्यों ना आवाज़ पहले सुनाएं। ये दो आवाज़ें आपने बताना है किन दो फनकारों की हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चोटी के फिल्म स्टार, फिल्मी सितारे आप बताइएगा 8881 पे हमें। और मुजीब साहब कहते हैं रानी, और नहीं साहब आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, आधा जवाब दुरुस्त है। समी अली जामे क्लॉथ से प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, साइलेंट लिसनर है, हम आपको वेलकम कहते हैं जी। आज मैं ये चाहता हूँ कि जितने साइलेंट लिसनर है वो हमें एक टेक्स्ट मैसेज करके बताएं प्रोग्राम उनको कैसा लगता है, गाने कैसे लगते हैं। नवाब शाह से वरियाम चांडियो, सर वेलकम एंड खुश आमदीद, और सर आपका खूबसूरत प्रोग्राम नवाब शाह में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मैंने अभी आवाज़ पहले भी बताई है, अगर आपको नाम मालूम है तो आप हमें बताइएगा कि ये कौन से हैं, लेकिन ये गाना मैंने आपको सुनाया था। और इसी फिल्म का मैं क्या गल सुन अपने ऐद का बहुत मकबूल गीत इसी गाने को इसी गीत को दोहराया है तसव्वुर खान ने भी। वो गाना हम आपको सुनवा चुके हैं पहले भी। आज के प्रोग्राम में एक स्पेशल ट्रिब्यूट है, पेश करेंगे कुछ ही देर में, आपने हमारे साथ रहना है। गल सुन जा
चिढ़ जाए दो। मास्टर इनायत हुसैन की धुन है साहब और तनवीर नकवी के बोल हैं। गल ए वेखे तू ते मेरी जान नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा ओ मैं जा गल सुन जा हो गल सुन जा। जब कुछ कहते कहते इंसान झिझक जाए शर्मा जाए लजा जाए तो ऐसे ही होता है बात अधूरी रह जाती है। एम जाकूब साहब आपका जवाब आधा दुरुस्त है। इकबाल अंसारी साहब शेर शाह में सुन रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja। सोचो घंटों यानी घंटों फ्री 4G इंटरनेट यू फोन 4G मुफ्त मॉर्निंग्स अभी *4200 हैश डायल करो और सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक फ्री डाउनलोडिंग स्ट्रीमिंग सोशलाइजिंग और गेमिंग एंजॉय करो। अपनी 3G सिम यू फोन 4G पे लाने का तरीका जानने के लिए *4# मिलाएं। पाकिस्तानी नेटवर्क यू फोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। सुनी गल जड़ी इसनू बधाना गल ए वेखे हुण रिया नहीं जा नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा हो मैं जा गल सुन जा हो। खबर मुजाहत चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया है अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ मूड का लेकिन ये भी जज्बात से भरपूर गीत है और बहुत आपका जाना पहचाना गीत है। जरा सैया जी के नाम लिख दे हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। सब ठट्ठा में हमें सुन रहे हैं आशिक अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम शामिल हो रहा हूँ। हम आपको वेलकम कहते हैं जनाब आशिक अली साहब। सुन रहे हैं आप हॉट 105 कराची स्टूडियो से गाने जाने जाने गाना आपका जाना पहचाना है कई मरतबा आपने सुना है आपको अजबर हो चुका होगा लेकिन ये गीत सुन के आपको बहुत कुछ याद आएगा। सब आवाज़ें हैं जुबैदा खानम की और जाहिदा परवीन की भाइयां बाज न जोड़ियां 1971 की फिल्म। इन गानों को सुन के आपको बहुत कुछ याद आता होगा बाजी के वो दिन वो शब रोज
वो बहार का मौसम, वो खिजां का खिजां की रुत। सब अगले गीत की तरफ जाने से पहले आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आवाज पहली दोबारा सुनाइए, सो आपकी फरमाइश की तामील। सब ये दोनों आवाजें किन फनकारों की आपने बताना है, लेकिन ये आवाज आपकी जानी पहचानी है। एक ऐसी फनकारा जिसकी मादरी जबान बंगाली थी, जिसने होश संभाला सिंध में, लेकिन कितनी उम्दगी के साथ पंजाबी जुबान के गीत। उन्नीस सौ 71 की फिल्म है वारिस। हम आगे चलने से पहले कुछ मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं। सब हमारे साथ जमाल अहमद हैं और न जाने क्यों हमसे नाराज हैं। कहते हैं मैं आपसे सख्त नाराज हूं, ऐसे नहीं होता है यू नो। और मुखातिब किया उन्होंने अबू राशिद साहब को और मुझे, और कहा कि आप दोनों को अपने चाहने वालों का ज़रा भी ख्याल नहीं है, मैं भी आप दोनों से पुरजोर एहतजाज फरमा रहा हूँ, चलो जैसे आप दोनों की मर्जी सानों की। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, किस वजह से नाराज़ हैं? आपको नाराज़गी की वजह भी तो बतानी चाहिए, आप बताइए तो सही, हम कोशिश करेंगे कि आपकी नाराज़गी जो है दूर कर दें। और सब सलामत अली का मैसेज हमने शामिल किया है और ये हैदराबाद में मैंने बताया कि सुन रहे हैं। कहते हैं नगमात का इंतखाब वेरी गुड, सवाल का जवाब है आपका आधा जवाब दुरुस्त है सलामत अली साहब। और कराची जामा क्लॉथ्स मार्केट में सामी अली हमें सुन रहे हैं, जवाब है आपका भी आधा जवाब दुरुस्त है।
हम थोड़ी ही देर में आपको इसका जवाब भी बता देंगे, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, आप हमें बताइएगा आप हमें कहाँ सुन रहे हैं। अगर आपको इसका जवाब नहीं भी मालूम तो हमें कम से कम ये बताइए 8881 पे मैसेज करके कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। मुख्तसर सा मैसेज आपका होना चाहिए। और सब अब थोड़ा सा हम अपना मूड चेंज करते हैं। आपकी कॉल्स आ रही हैं, मैं सोच रहा हूँ ये गाना सुनाता हूँ आपको, उसके बाद देखते हैं कि आप वक्त है तो आपकी कॉल्स भी ले सकते हैं। ये आवाज़ सुनिए और डूब जाइए इस आवाज़ में। देखो चराग जाम जले रात हो गई, देखो चराग जाम जले रात हो गई, फिर मैं कदे में नूर की बरसात हो गई, देखो चराग जाम जले रात हो गई। दोस्तों ये फिल्म है खरिश 1971 की फिल्म है, अहमद अशरफ की धुन है, खान साहब की आवाज़ आप सुन रहे हैं। कलीम उस्मानी ने इसे लिखा, वहीद मुराद और रानी बेगम इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। खुले किसी के तो खुशबू बिखर गई, सागर चले तो रात की किस्मत सबर गई, हर दर्द की तलाफी ये महफात हो गई, देखो चराग जाम जले रात हो गई। खलिश है नजर बदे हवा से है, कोई सबब नहीं है मगर दिल उदास है। 105 कितनी अजीब सूरत हालात हो गई, देखो चराग जाम जले रात हो गई, फिर मैं कदे में नूर की बरसात हो गई, देखो चराग जाम जले। 11:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रास्ट, इतना बासहूलत कि क्या याद करोगे। सोचो घंटों यानी घंटों फ्री 4G इंटरनेट, यू फोन 4G मुफ्त मॉर्निंग्स। अभी *4200 हैश डायल करो और सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक फ्री डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, सोशलाइजिंग और गेमिंग एंजॉय करो। अपनी 3G सिम यूफोन 4G पे लाने का तरीका जानने के लिए *4# मिलाएं। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए, सब कुछ तुम ही तो हो। साहब आयशा हमें सुन रही हैं और कहती हैं आपका जवाब दुरुस्त है बीबी। और हशमत साहब हैदराबाद में सुनते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, कहते हैं कि सही कहते हैं कि ओरिजिनल म्यूज़िक की क्या बात है। मुझे भी अच्छा रीमिक्सेस कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। आज के प्रोग्राम में दो गाने ऐसे थे जो फिल्म
स्टार महापारा पर फिल्माए गए हैं। महापारा को का ताल्लुक हमारे शहर हैदराबाद से था, बल्कि है। महापारा ने सिंधी, उर्दू, पंजाबी तीनों जुबानों की फिल्मों में काम किया है और डायरेक्टर इकबाल यूसुफ की बेगम हैं। चलिए लीजिए आपकी मालूमात सर आँखों पर। मैं दो या तीन कॉल्स लेना चाहता हूं, लेकिन वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। मुख्तसर सी बात करनी है, आप मुझे बताइएगा कि जो आवाज़ें मैंने सुनाई हैं आवाज़ पहली में, वो आपने बता दीजिएगा मुझे कि किस की है, और कोई बात अगर इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें इख्तसार के साथ, तो आप मुझे अब कॉल कर सकते हैं 111000105। मुझे एक स्पेशल ट्रिब्यूट भी देना है, उसके लिए भी मुझे वक्त चाहिए। 021 इससे पहले आपने डायल करना है। देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुशकिस्मती है मेरी। ओह अच्छा, जमाल साहब तशरीफ लाए, क्यों नाराज हैं भैया आप? मैं नाराज नहीं हूँ। आप ये देखें, तराजू के दो पलड़े होते हैं जी, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है। तो 99.9999% लोग आपको पसंद करते हैं, आपके फॉर्मेट पे अमल करते हैं। अगर पॉइंट समथिंग परसेंट कोई बंदा अगर आप पे तनकीद कर देता है, तो बकौल हमारे वजीर आजम के, तनकीद तो अच्छी होती है, तो आप उसको हजम कर लिया करें। और ऐसे नहीं है जमाल साहब, जमाल साहब गुजारिश सुनिए, गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए। मैं तनकीद की कोई मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें हमें 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 चूंकि गाने सुनाने हैं, तो गानों के जो है ना प्रोग्राम का टेम्पो जो है वो खराब होता है। तो और एक काम करें ना, इस वाले प्रोग्राम में आप कॉल ले ही नहीं, मैं तो आपको ये मशवरा, तो मैं तो नहीं ले रहा था। और ये आपकी तरह एक दो लोगों ने और भी कहा कि भी कॉल नहीं ले रहे, तो मैंने कहा चलिए मैं ले लेता हूँ। तो आप उनका भी तो दिल रखना होता है ना, तो जैसे लोग जो ठेस लग जाती है दिल के, आपकी जरा चाप गिने वाले हमारे बड़े नाजुक आप गिने हैं, बड़ी तेजी जल्दी से टूट जाते हैं जी। फरमाइए ये बात है, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप कॉल बंद कर दें, आप कुछ और बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, हमारा खाना पीना बंद कर दें, उठना। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको छोड़ने वाले। जजाकल्ला, बहुत खुश रहिए, कोई ऐसी नाराजगी की बात नहीं। अगर नाराज हो जाऊँ तो फिर जिस दिन मैं नाराज होऊंगा ना, उस दिन मैं फिर ये छोड़ ही जाऊंगा, बिल्कुल आऊंगा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा नहीं, अल्लाह ताला हम सबको मिला जुला के रखे, हम सब एक साथ रहे, सुनते रहे। और आप सुनते और राबू राशिद को ये भी शिकायत है कि भाई वो भी पहले बता के जाते थे, यहाँ से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे, बता के जाते थे। अब गए तो ऐसे गए कि उन्होंने बताया ही नहीं कहाँ है कि साल में अपनी, उससे भी चले। हम मालूम करेंगे उनसे, हम मालूम लेंगे उनसे कि वो कहाँ है। खाली टीवी नहीं, हम लोग भी तो हैं, जहाँ से आप खड़े हो, जहाँ से आपको रोज मिला है, तो हमें ना भूलें। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। जमाल शेख साहब से जी, और बात वही है कि चूंकि वक्त बहुत कम होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बुरा फकीर लैंड जरिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक। मेरे मेरे भाई जान, मेरे दोस्त, मेरे 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 प्यारे भाई, मेरे डियर ब्रदर, आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं इसके बारे में भी कुछ कहिए। हाँ, आपकी पूरी टीम जिंदाबाद, आपका प्रोग्राम जिंदाबाद, ये प्रोग्राम ठीक है, बस ठीक है, जजाकल्ला। नूरजा के बारे में गाना मेरे को बताना, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान सुनने वाले को साले को सलाम है, हमारे प्यारे भाई है, हमारे प्यारे भाई अली गुल जमाली को सलाम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और सब हॉट 105 जो है, ये भी आपका अपना घर है, इसे छोड़ के कोई भी नहीं जाने वाला, मैं तो नहीं जाने वाला। आपकी जानी पहचानी फिल्म का जाना पहचाना गीत है। नदीम हाशमी साहब तारिक रोड में सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहनवाज साहब बहरिया टोन वाले, आपका जवाब दुरुस्त है। साजन का खुदा हाफिज,
और मिसेज असलम जो है वो हमें सुन रही हैं, प्रोग्राम उनको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। शमा गफार, आपका जवाब दुरुस्त है। और सब इसी फिल्म का एक और गीत, और हम ये गाना डेडिकेट करते हैं जी जवाहर शेख साहब को। चुन चुन खयो मास दो नैना मत खायो, इन्हें पिया मिलन की आस, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मुझे अपने रब से आस के मेरा प्यार। सन्ना शाद की धुन है जी, मसूद राणा की आवाज, शिवन रिजवी ने लिखा इसे और वहीद मुराद पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। दूर के जाने वाले पंछी लेता जा पैगाम ये मेरा, हो दूर के जाने वाले पंछी लेता जा पैगाम ये मेरा, मिल जाए तो इतना कहना, भटक रहा हूँ सहरा सहरा, लेकर दिल में आस के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। तो दिन उज़ैद, इस गाने के साथ ही मैं आपको एक और हमारे लिसनर हैं जो अब कॉलर हैं, उनकी तरफ ले जाता हूँ। तरह तरह के मिले मुसाफिर मिला न लेकिन बिछड़ा साथी, उन तक मेरी आह न जाती लेकिन ये आवाज तो जाती, मरते दम तक आस के बिछड़ा यार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। ओ गौरी साहब की कॉल मिली थी और ड्रॉप हो गई है, आप मुझे अगर कर सकते हैं तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। रहीमुल्ला गौरी साहब हमारे मोहतरम कॉलर, हमारे लिसनर। खातिन उजैद, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा गीत पंजाबी जबान का बहुत अरसे के बाद आप सुनेंगे। सब इस फिल्म का नाम है हड हराम, और हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं सब। ये आवाज़ है सुरैया हैदराबादी की, सुरैया बेगम। बहुत कम गाने गाए लेकिन बहुत ही पुरसोज आवाज़ है। अख्तर हुसैन आखियाँ की जी धुन है और मंजूर झल्ला का कलाम है। शीरी पर अदा करा, शीरी पर जी गाना पिक्चराइज। हमारे साथ कॉलर हैं, लास्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लीजिए साहब। सो अब ये तय हो गया कि हम आइंदा इस प्रोग्राम में कॉल्स नहीं लिया करेंगे।
सिर्फ आपको सुनाएंगे गाने। आज के लास्ट कॉल अब ले ही लेते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाम बताइएगा अपना। नाम मैं राशिद बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से। अच्छा, क्या कहेंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? जी मैं हमेशा सुनता हूँ आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है आपका, शो सुनता हूँ। आपके दिल में क्या उमंग जागी कि आपने हमें कॉल किया, कोई खास बात जहन में थी जो कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना ये चाह रहे थे कि ओल्ड गाने हैं, ओल्ड गाने मैं पसंद करता हूँ और मैं शौक से सुनता हूँ। ओके, हम इसी तरह आपको गाने सुनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सब इस वक्त 11:00 तकरीबन 43 मिनट हुआ चाहते हैं और मैं आपको से प्यार किया। और बरकत अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का। दिल की तमन्ना दिल में रही, बात बनी थी बिगड़ गई। सब ये फिल्म है 1967 की, फिल्म का नाम है यतीम, अहमद रुश्दी की आवाज़, सलीम इकबाल की धुन है और फयाज़ हाशमी के बोल। एजाज़ और रानी इस फिल्म के मरकजी किरदार थे और ये गाना आपने बहुत पहले सुना होगा, आज आपको सुनाया है हॉट 105। डॉक्टर नदीम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम ही थे दीवाने, प्यार कोई क्या जाने, किस नादा से प्यार किया। 11:45 PM This time check is brought to you by AGS maintenance free battery, क्योंकि बात है क्वालिटी की। और ये सब हमने आपको जो आवाज पहली आप तक पहुंचाई थी, सब ये आवाज थी मुनव्वर जरीफ मरहूम की और आसिया बेगम की और फिल्म का नाम था जानू कुपत्ती। और अब हम सब दुनिया भर में मानी जाने वाली आवाज़,
लता मंगेशकर एक ऐसी मुगनी है जिसने कई दहाइयों तक हमारे दिलों पे, हमारे ख्यालों में, हमारे जहनों में हुक्मरानी की है। मुझे कोल्हापुर में मिली थी जब मैं 15 साल की थी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ एक हिंदी पिक्चर वही प्रोड्यूसर बना रहे थे जिसमें नूरजहाँ जी हीरोइन थी और मैं एक छोटी सी लड़की का रोल कर रही थी। जब मैं पहली मरतबा उनको स्टूडियो में मिलने गई तो नेचुरली मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत और मैं उनका गाना बहुत ही पसंद करती हूँ, तो मैं एकदम चुप हो गई और वहाँ बैठी रही। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि नूरजहाँ जी ये लता है और बहुत अच्छा गाती है, तो उन्होंने कहा भाई हम भी सुनेंगे। तो मैंने उनको एक क्लासिकल चीज जय जयवंती राग में सुनाई थी, तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई मेहनत करो, अगर मेहनत करोगी तो तुम भी हमारी तरह सिंगर बन जाओगी। और वही मैंने उनकी बात याद रखी। मैं उसके बाद तो उनको ज़्यादा मिल नहीं सकी। एक मरतबा मैं मेरे ख्याल से 1952 में उनको मिलने के लिए वाघा बॉर्डर गई थी और हम लोग शायद एक आधा घंटा वहाँ मिल सके थे। उसके बाद फिर मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर उसके बाद हम लोग टेलीफोन पे वगैरह बातें करते थे, लेटर्स भी लिखते थे और वो हमेशा मुझे बहुत ही मतलब प्यार करती रही हैं। और मैं उनको हमारे फिल्म म्यूजिक में भी उनके गाने सुन सुन के ही मैंने कैसे बोल कहनी चाहिए ये सब मैंने सीखा है और मैं उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। और सब क्या कहती है मेहदी हसन के बारे में? सुबह उनकी आवाज से होती है और रात भी मैं सुबह उठ के उनका टेप सुनती हूँ। मुझे उनका गाना बेहद पसंद है और मैं समझती हूँ कि गजल में इतनी बड़ी क्रांति और किसी ने नहीं की है। वो गजल में उन्होंने पूरा एक नया अपना ढंग लाया है और वो जिस अंदाज से गजल गाते हैं मेरा ख्याल है और कोई नहीं गा सकता। ये उनका बहुत बड़ापन है कि वो मेरे गाने की तारीफ करते हैं। मैं तो अपने आप को सिंगर समझती नहीं हूँ क्योंकि हम तो फिल्मों में गाते हैं और फिल्मी गाने वही होते हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं, हम लोग गा देते हैं, इसमें हमारा कोई अपना क्रिएशन नहीं होता है। इंडिया सर मेरे हिसाब से बहुत ही ऊंचे कलाकार है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि वहाँ के कलाकार यहाँ आए, हमें मिले, हम भी वहाँ जा सके, क्योंकि कलाकार के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता है और कोई पॉलिटिक्स उसके रास्ते में नहीं आते हैं। आएगा आएगा प्यार में जलने वालों
से दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, भूल गए सांवरिया मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। सब एक बड़े फनकार का खराज अकीदत। मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का बहारो मेरा जीवन भी संवारो। सब बेशुमार फिल्मों में गाने गाए, कोई 30,000 कहता है, कोई 50,000 कहता है, लेकिन जो भी गाया लता जी ने वो नक्श बन के रह गया, कभी ना मिटने वाला। बहारों मेरा जीवन भी संवारो, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं मोहब्बत में भूलिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रोए, यूं हसरतों के दाग जागने से फिर ये हसीं रात हो न हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर हसी रात हो, यूं हसरतों
सब हार्ट 105 की जानिब से लता मंगेशकर दुनिया भर में जानी जाने वाली, दुनिया भर में अपना नाम बहुत ऊंचा करने वाली लता मंगेशकर, जिसने हर सुर में गाया, हर जबान में गाया और लोगों के दिल जीत लिए। हार्ट 105 खराज अकीदत पेश करता है और अब चलते चलते हकीम उल उम्मत का कलाम अल्लामा इकबाल, एक शोहरा आफाक कवाली के अंदाज में। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हमें, सो गए दास्तां कहते कहते। आप सुन रहे थे गाने जाने जाने, हर जुमेरात की शब 10 बजे से 12 बजे तक आप सुना करते हैं मुजफ्फर अहमद के साथ। और आज हमने मुख्तसर से दौरानिए में लता मंगेशकर को याद किया, और वो भूली जाने वाली शख्सियत नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े नाम नूर जहां, मेहदी हसन, कितने ही लोग, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, कैसे भुलाए जा सकते हैं। मुजफ्फर अहमद को आप इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात बशर्ते ज़िंदगी इतवार की सुबह 11 बजे संडे मॉर्निंग की लेजेंड में होगी। आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का, सुनने का। अल्लाह हाफिज़, नासिर शब बख़ैर और अलविदा। Time check is brought to you by Free 4G Internet. You phone 4G most mornings. Now it's time for Hum News.